नार्वे में कैद भारतीय बच्चों की रिहाई जल्द होगी। नार्वे की बाल कल्याण सेवा ने बच्चों को उनके चाचा को सौंपने का फैसला लिया है। हालांकि अंतिम निर्णय 23 मार्च को होगा। 3 साल का अभिज्ञान और 1.5 साल की ऐश्वर्या जल्द ही अपनों की गोद में खेलेंगे। नार्वे की बाल कल्याण सेवा ने दोनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी इनके चाचा को सौंपने का फैसला लिया है। बाल कल्याण सेवा अपना निर्णय एक स्थानीय अदालत को सौंपेगी, जो 23 मार्च को इस पर अंतिम निर्णय लेगी। 23 मार्च को वो हियरिंग है केस का, उस संबंध में क्या पहले कमिटमेंट सरकार देगी, क्या वो कहेंगे उस तारीख पर, वो हमें कल पता चलेगा जब गणपति जी वापस आएंगे। तो सरकार की यही, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी भी हालत में बच्चों को वापस लेकर आए। इससे पहले बच्चों की नारा नानी और दादा दादी ने विदेश मंत्री M.M. कृष्णा से मुलाकात की। विदेश मंत्री से मिलकर परिजनों ने बच्चों को छुड़ाने की गुहार लगाई। इन दोनों बच्चों को नार्वे की चाइल्ड केयर एजेंसी ने इनके माता पिता से ये कहकर छीन लिया था कि उन्हें बच्चों को पालने की तवीज नहीं है। नॉर्वे और भारत के बीच इस पूरे मामले को लेकर कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में नॉर्वे की सरकार अपने राजदूत को तलब करने का मन बना रही है। उस पर आरोप है कि उसने भारतीय संस्कृति की जानकारी अपने सरकार को सही नहीं दी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ विजेंद्र सिंह।